बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू का भुरता बनाने की रेसिपी। चलिए मैंने इसमें जिन जिन चीज़ों का यूज़ है वो चीज़ें मैं देख लेती हूँ। ये है 3 उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश करके रख लिया है। ये है कुछ महीन कटी हुई प्याज, महीन कटा हुआ टमाटर, 1 नींबू है, ये हींग है, ये कुछ कटे हुए हरे मसाले हैं, ये है अदरक कद्दूकस करी हुई, ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये है थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, ये ड्राई स्पाइसेस है, ये पकाते टाइम मैं बताऊंगी, ये है नमक। चलिए अब हम पैन में तेल डालते हैं। पैन मैंने चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। तेल गर्म हो रहा है, तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें से कटी हुई प्याज में से हम आधी प्याज इस गर्म तेल में डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। इधर मेरी प्याज ब्राउन हो रही है, अब हम इस भुरते में मसाले मिलाते हैं। एक चुटकी के करीब इसमें हींग डालेंगे, आधा नींबू, इसका बीज निकाल के इसका जूस हम डाल देंगे। कटी हुई प्याज डालेंगे, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये सब इसमें चला जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच हम पिसा हुआ भून के पीस लिया था ये जीरा, ये हम डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इधर मेरी प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ रही है धीरे धीरे, इसे थोड़ा सा और ब्राउन करना है। अब आप देख सकते हैं प्याज में ये लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम ये आलू में सारे मसाले मिक्स कर चुके हैं और इसमें डाल लेते हैं। भूनना है और मेरा मजेदार सा आलू का भुर्ता रेडी। 2-3 मिनट में ये भुर्ता रेडी हो जाता है और बहुत ही मजेदार भुर्ता लगता है ये। इसको मीडियम फ्लेम पे ही 2-3 मिनट तक के भूनना है अच्छी तरह से, और ये अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तभी इसमें सोंधापन आता है। ऐसे ऐसे करके हम इसे भूनते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये अब भुरता रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलिए फ्लेम को बंद करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये मजेदार सा चटपटा आलू का भुरता अब रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।